नमो दस्तर और आज मैं आपके साथ सलाद किचन में बहुत ही मज़ेदार सी लबनानी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। ये कबाब आप लोग बच्चों को लंच बॉक्सेस में भी बना के दे सकते हैं, टी टाइम में भी बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत सिंपल तरीके से बनते हैं। लबनानी कबाब बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं उसमें मैंने सबसे पहले 2 पैकेट मैगी लिया है, उसको मैंने बॉयल कर लिया है और उसके बाद मैं इसमें 1 कप मटर यूज़ करूँगी, इनको भी बॉयल कर लिया है। चिकन को भी मैंने लाल साबुत मिर्च के साथ बॉईल किया है और ये मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाली हैं। आपको जितना स्पाइसी चाहिए हो आप उस हिसाब से ऐड कर दें इसमें लाल साबुत मिर्च। उसके बाद मैंने ये गाजर ली है, इसको भी बॉईल कर लिया है। 2 बड़े आलू हैं, इनको भी बॉईल कर लिया है। और कॉर्नफ्लावर हम यूज़ करेंगे 3 टेबल स्पून। उसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे। इमली का पल्प मैं इसमें 3 टेबल स्पून ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। नमक हसबे जायका और 1/2 टेबलस्पून इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। सबसे पहले ये एक बाउल लिया है और इसमें ये मैं चिकन ऐड कर दूंगी। अब ये जो चिकन की बोटियां हैं इसको मैं हाथ से थोड़ा मोटा मोटा करूंगी, बिल्कुल इसको श्रेड नहीं करेंगे। ये देखें इस तरह से मोटी मोटी बोटियाँ इसमें रहने देंगे। अब ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी बोटियां इस तरह से छोटी छोटी कर ली हैं और अब मैं इसमें ये आलू ऐड करूंगी। इसको साथ ही थोड़ा सा हम मैश कर लेंगे और अब ये मैं बॉयल मटर भी इसमें ऐड कर दूंगी, साथ ही ये गाजर भी इसमें ऐड कर दूंगी, मैगी भी इसमें ऐड कर दूंगी ताकि सब चीज़ें अच्छे से एक साथ मिक्स हो जाए। अब इस मैशर से मैं इसको अच्छी तरह मैश कर लूंगी। अब ये सारी चीज़ें मैंने मोटा मोटा सा मैश कर ली हैं और अब मैं इसमें सबसे पहले ये 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करूंगी और अब इसमें ये 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करूंगी। इसमें मैं 3 बड़े चम्मच इमली का पल्प ऐड कर रही हूँ। नमक हसबे जायका, काली मिर्च भी मैं इसमें 1 टेबलस्पून के करीब ऐड करूंगी। अब यहाँ पर मैं ये कॉर्नफ्लावर 3 टेबलस्पून ऐड करूंगी, इससे ये हमारे कबाब जुड़ेंगे भी। अब यहाँ पर सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं और अब मैं इन सबको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने इस सारे बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मुझे यहाँ पे लग रहा था कि थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और ऐड करना है तो मैंने इसमें और ऐड कर दिया था। अब इनको बनाने का जो तरीका है, सबसे पहले आप अपने हाथ को इस तरह से गीला कर लें और उस पर ये थोड़ा सा बैटर रखें, देखें। और अब मैं इसका इस तरीके से इसको कबाब की शेप दे दूंगी, आप लोग इसको जिस टाइप की मर्जी शेप दे दें, ये देखें। और हम इसको बना के मैं प्लेट में नहीं रख रही, मैं डायरेक्ट इसको पैन में डाल दूंगी और हम इन कबाबों को शैलो फ्राई करेंगे, ये डीप फ्राई भी नहीं होंगे। अब आप ये देख सकते हैं ये मैंने इस तरीके से बना दिया। यहाँ पर मैंने ये कबाब पैन में डाल दिए हैं और मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ, इनको डीप फ्राई नहीं करूँगी। अब ये एक साइड से क्रिस्पी हो गए थे तो मैंने इनको पलट दिया है और ये मज़ेदार से लबनानी कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाए थे और ये बहुत टेस्टी होते हैं। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी बहुत पसंद आएगी और मुझे फीडबैक भी दिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।